अच्छा उस्मान, जब बकरा लेते हैं तो हमें बकरों की नॉलेज है बहुत। गाइज ये जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि ये पालता भी बड़े शौक से है, और कुछ दोस्त हैं इनके जिसके पास जो है वो बहुत सारे बकरे हैं, तो उनके साथ भी उठना बैठना है, यानी कि इसको काफ़ी अच्छे से मालूमात हासिल हो चुकी है बकरों के हवाले से। तो उस्मान से हम पूछते हैं, उस्मान ये बताओ कि जब नया बकरा लेकर आते हैं तो क्या क्या करना चाहिए, और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं कि नहीं करनी चाहिए। बकरा जब ले रहे हैं तो किस तरह लेना है, और जब लेकर आ गए तो रखना किस तरह से, इसके बारे में बताओ कुछ। सबसे पहले तो जब आप बकरे लेकर आते हैं, हाँ जैसे आप लेकर आए और लाते साथ ही, बहुत लोग होते हैं लाते साथ ही जो है ना, जैसे लेकर आए अभी वो सही से वो नहीं हुए हैं। सही। अच्छा माइक अपना ऐसे कर लो, इस तरफ कर लो माइक, हाँ इस तरफ करो ताकि गले के पास से जब आवाज आएगी ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ डबल शर्ट दे दो, कोई इशू नहीं, बस सही, आप सही। जैसे जो बहुत से लोग आते हैं लाते साथ ही उसको खान देते हैं, खाना दे देते खा हैं, दाते के देते साथ हैं, ही खाना पीना कर हाँ देते हैं उससे। खान देते हैं, और उसके साथ ही लोग जो है ना पानी भी देते हैं, फौरन खाने खाने खिलाने के बाद फौरन पानी दे देते हैं। एक्साइटमेंट में कि बकरा लिया है, बकरा आ खिलाओ गया, जल्दी, हाँ भूखा होगा ये, और फिर पानी पिला दो उसको, जल्दी हाँ प्यास नहीं लग जैसे रही पानी उसको। पिलाते हैं उसका पेट जो है वो गैस होना शुरू हो जाती है, उसका पेट जो है इसकी जो नालियाँ होती है ना वो चौक हो जाती है, फिर अच्छा, उसके बाद उसके जो मोशन शुरू हो जाते हैं, सबसे पहले वो मोशन करना शुरू होता है और बकरे को एक बार मोशन लग गए और तो वो बकरा खत्म हो जाता है, वो बचना मुश्किल है बचना बहुत उसको। मुश्किल होता है उसको। तो अब जो है आए हमारे नीचे वाला सीन बता रहा हूँ, एक बकरा लेकर हाँ आए लाते साथ ही जो है ना उसको भूसी और गंदम दे दी, अच्छा, गंदम दे दी सही है, वो दे दी सही है, खत्म हो गया। अब अभी 10 मिनट भी नहीं हुए पानी लाके पिला दिया, हालांकि उस बकरा आया था वो सही था वो। रात को आया सही है, अब उसको खाना देना चाहिए था लोगों को सुबह। अच्छा ये बताओ ये कि जब बकरा लाते हैं तो खाना कब देना होता है, खाना जैसे अगर आप जैसे सुबह आप लाए रात हो सुबह लाए हो तो खाना उसको देना है रात रात को, में, सही अगर रात है में लाए हो तो सुबह देना है, सुबह देना है, पानी भी नहीं पिलाना नहीं उसको पानी भी नहीं पिलाना। क्योंकि वो। अच्छा गाइज इसकी मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, इसने मुझे अकेले में बताया था एक पूरा बकरों का, तो उसमें ये बात कही थी इसने कि जब भी आप सुबह बकरा लाएं तो रात में उसको खाना खिलाएं, रात में लाएं तो सुबह अगले दिन दें उसको। इसकी वजह ये होती है कि जब बकरे की जगह ऐसे ही है ना, बकरे की जब जगह चेंज होती है तो वो घबराया हुआ होता घबराया है, हुआ होता है, ऐसे में उसका स्टमक जो है ना थोड़ा रुका हुआ होता है, और रुके हुए स्टमक के ऊपर जब आप उसको खिला दें और पिला दें, इससे क्या होता है कि वो पैनिक कर जाता है और कहीं ना कहीं मोशन शुरू कर देता है वो। उसको जगह का आदि होने में, जगह चेंज होने के बाद बकरे को जगह का आदि होने में कम से कम भी 12 घंटे लगते हैं मेरे ख्याल बारह से, है ना, घंटे बारह हाँ घंटे का बारह टाइम होता घंटे है। तो इसीलिए गाइज याद रखें, अगर आप रात को बकरा लाएं तो बिल्कुल दीवाने ना हो जाएं, और सुबह होने दें, बकरा भले चीखे जो मर्जी करे उसको बांध दें साइड पे, क्योंकि बकरा कम खाएगा बच जाएगा, ऐसे ही है ना, बकरे को खिलाएंगे नहीं तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा खिलाया तो भाई उसको कोई बचा नहीं सकता, अगर उसको मोशन मोशन हो गए तो, है ना, ऐसे ही है ना। ऐसे बताओ आप आगे कंटिन्यू करो। अब जो है वो बकरा लेकर आए, अब उन्होंने खाना गंदम खिलाया, 10 मिनट बाद ही पानी पिला दिया। अब वो चांद रात का दिन था, सही। अब चांद रात वाले दिन 8 बजे उस बकरे को काटना पड़ा, क्योंकि वो उसका पेट इतना फूल गया था वो उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, सो खड़ा किया उसको, डॉक्टर वॉक्टर को भी बताया था, वो बोले उसको जितना हो सके टहलाओ, उसको सेवना वगैरह पिलाओ, उसके पेट में गैस हो गई है। अब जब मैंने हाथ लगा के देखा तो उसको पेट फूले जा रहा फूले जा रहा, वो पेट सामने आंखों के सामने सामने फूला था, इतनी गैस हो गई थी उसको, और सारी अच्छा नालियों चौक और पानी ऐसे मोशन कर रहा था वो। और जब ओहो, उसको डॉक्टर, उसके बाद जो है डॉक्टर ने बोला छुरी फेर दो उसको, बस अब फायदा नहीं। जब उसके बाद जब छुरी फेरने जा रहे ना, जब उसने आखिरी सांस लेना शुरू कर दिया, उसके चांद रात वाले दिन 8 बजे उसके ऊपर वो किया, चांद रात को उसको चांद जुदा रात वाले करना दिन पड़ा। काटा उस बकरे सही सही सही। अच्छा गाइज थोड़ी देर के लिए पॉज करना वीडियो को, अजान हो रही। अच्छा ये बताओ कि बकरे को जो है वो क्या क्या खिलाते हो, जब लेकर आते हैं तो क्या क्या खिलाते हैं बकरे को। देखो, जो मैं अपना जो बकरा लेकर आया था ना हाँ उसके ऊपर जो मैंने खिलाया था, वो बकरा ये आया था और वो ये होके गया था जब वो कटा था सही है। सही है, और जो मेरे घर वाली पर हैरान होते थे ये कैसे किया। अच्छा मैं बता दूं मैंने खिलाया क्या, सुबह सबसे पहले उसको जिस हिसाब से गर्मी थी ना बकरे ज्यादा दिन, हाँ दिन में 4 से 5 टाइम तो पानी पिलाना होता अच्छा था। एक तो सुबह 11 बजे, सुबह 10 बजे उसको जंतर डाली, जंतर सही है। डालने के बाद उसके 10 बजे जंतर डाली, 12:30 1 बजे मैंने उसको पानी पिलाया सही ठीक है। है, उसके बाद मैंने पानी पिला दिया, उसके बाद फिर शाम जब ठंडा मौसम हुआ ना थोड़ा, 7-8 बजे का टाइम जब होता है, तो
तो उस टाइम मैंने जो मैंने जब सुबह 11 बजे ना मैं गंदम और दलिया भिगोता था, भिगोते थे भिगोता था पहले से भिगो के रखना हाँ, पड़ता पहले से भिगोता था 12 घंटे 12 घंटे भिगोना 12 घंटे भिगोया मैंने। सही है। अब जो है उसके बाद मैंने चने का छिलका और चोकर ये सारे उसके अंदर मिक्स करके 7-8 बजे क्योंकि गंदम गर्म होती है ना थोड़ी, तो मैंने 7-8 ठंडे और ठंडे टाइम उसको खिला दिया। फिर सही है। उसके बाद फिर रात में 9-10 बजे के टाइम उसको मैंने 9-10 या 10-11 ऐसे टाइम फिर मैंने उसको वापस वो खिलाया, क्या कहते हैं उसको, जंतर 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 खिलाई। जंतर ठंडी होती गर्म होती है? ठंडी होती है, ठंडी होती है क्योंकि अभी मैंने जब यहाँ से बकरा आया था ना, उसके बाद जब मैंने खाना खिलाना शुरू किया था खाना चेंज हुआ था थोड़ा उनका, तो उनको ना मोशन हो गए थे, तो फिर जो है ना मुझे बताया था जिनसे जिनके साथ में बैठता हूँ ना, जुबैर भाई जिनको मैंने बताया था, उन्होंने बोला था कि जो है ना उसको जंतर जितनी हो सके खिलाओ, मुझे मैं जंतर का नुकसान नहीं है, फायदा है भले सुबह हो या रात हो गर्मियों में। अब जो है वो उन्होंने बोले, मैंने बोला मोशन लग गया उसको, मैं क्योंकि मोशन वो पतले वाले नहीं कर रहा था, थोड़े गाढ़े कर रहा था, गर्मियों की वजह से हुआ था, खाना चेंज हुआ था ना उनका, तो उसकी वजह से कर रहे थे, फिर वो सही हो गया था। उसके बाद मैं जंतर खिलाई ना जब इनको, तो मैंने सुबह एक टाइम खिलाया था जंतर, मैंने 2 टाइम खिलाना शुरू करी जंतर, ठीक हो गए थे। अच्छा, मतलब अगर मोशंस की भी टाइप होती है, मोशन की टाइप बिल्कुल मतलब के पतले कर रहा है तो पतले होते हैं तो मतलब उसमें फिर बचना मुश्किल होता है ना, उसमें फिर उसको ज़िबा करना पड़ता है। उसके बाद जब वो मोटे कर रहे हैं ना तो मतलब अभी भी चांस है उसको बचा ले, चांस है खुराक चेंज करके या उसको अच्छा सा ट्रीट करके, मेडिसिन मेडिसिन दे के ट्रीट करके उसको अगर बचाया जाए। लोग जंतर खिलाओ, अगर जंतर में भी नहीं है ना तो फिर एक दो इंजेक्शन आते हैं वो लगाओ। अच्छा अच्छा, जंतर ऐसा जैसे भुट्टा होता है ना, हम तोतों को भुट्टा डालते हैं, तो भुट्टा जो है वो वायरस और बीमारियां खत्म करता है, तो मुझे लगता है कि जंतर जंतर जो है ना बकरों का पेट वगैरह साफ करते हैं। सही है। और जो है ना इनके जो है ना अंदर जो अंदर गर्माई होती है ना सारी गर्मी की वजह से वो सारी खत्म कर देते जंतर, यानी कि ठंडा माना जाता है। अच्छा, मेरे गांव में जो है एक बंदा है, उसने बकरा लिया मेरे सामने, और वो हर वक्त सुबह शाम पट्टे खिलाता था उसको, गाय का चारा नहीं होता, वो बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं पट्टे जिसको बोलते हैं, वो पट्टे खिलाता था उसको, तो क्या ये सही है ऐसा खिलाना या नहीं? वो जगह खुली है, जगह खुली है, वो तो घूमते रहते हैं, वो उनका मसला नहीं है, वो तो हजम भी होती है बहुत ज्यादा, हजम भी हो जाता है, वो उनका वो वाला ज्यादा मसला नहीं है, चलना फिरना बहुत है, चलना फिरना बहुत है, ये तो बात है। तो यहाँ तो एक जगह खड़े रहते हैं, बस थोड़ा सा एक राउंड लगा दिया वो, वरना वो तो खुले रहते हैं ना पूरा दिन, वो तो खुले रहते हैं, घर ही इतने बड़े हैं, घर के अंदर भी अगर खुला हुआ है तो घूम कर रहा है, हैवी चारा खा रहे हैं और जल्दी बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं। सही, उसकी यानी कि उसकी वर्किंग भी उसी हिसाब की है ना, उसी हिसाब की है जिस टाइप का वो चारा खा रहा है। हाँ, मतलब कि चारा हजम करने के लिए उसके पास एरिया जो है वो मौजूद है, यहाँ पर क्या होता है कि बकरे को जहाँ उतारा वहीं बांध दिया, वहीं ज़िबा कर दिया, वहीं खड़ा कर दिया, है ना, ऐसे ही है ना। और कुछ लोग का टलाज इतना है कि वो ठला ठला के ही मार देते हैं, वो चल नहीं रहा होता, करते ना खींच खींच के, काम खींच खींच के, मतलब इसमें दरमियाना रखना है हर चीज, खाना पिलाना। इस साल बकरे भी बहुत मरे गर्मी की वजह से, इस साल ना जो भी कुर्बानी का टाइम है इसमें बहुत बकरे मरे, बहुत सही बोल रहे हो, गर्मी से बहुत मरे, मेरे सामने इतने मरे, अब परिंदे कितने मरे हैं गर्मी से ये भी तो देखो, है ना, बहुत मरे, बहुत ज्यादा। सो गाइस, आपको आज की वीडियो में बकरों के हवाले से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, बड़े क्यूट क्यूट बकरे होते हैं मार्केट के अंदर, कई बार दिल करता है छोटे बच्चे दूध पीते हुए उठा के ले आए गोद में रख के, बड़े खूबसूरत होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को तमाम इसकी जो पूरी बैकग्राउंड है बकरे को रखने का वो बताएं, या जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो आपको बताएं, ताकि कभी भी आपका कोई बकरा बीमार ना हो, इसलिए ये वीडियो को बनाया गया था। और जो उस्मान है ये बकरों का बहुत ज़बरदस्त समझ लें कि आप बकरा लवर है ये, तो इसको पता भी है चीज़ें, मुझे नहीं पता बट मुझे इससे सीखने को मिली हैं, आपको भी सीखने को मिली होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।